हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताया कि चार्ट पैटर्न मार्केट के अंदर कैसे यूज होते हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सकते हो, ये PDF से ही मैंने प्रिंट निकाले अभी दो, ठीक है। ये PDF अवेलेबल है मेरे पास। यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप मेरे को मैसेज करके PDF ले सकते हो। लेकिन उनका कुछ चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे PDF अवेलेबल है मेरे पास, आपको बता देता हूँ। पहले PDF ये देखिए, चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न की पूरी बुक मेरे पास अवेलेबल है। यदि आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो PDF है उनके मैंने प्रिंट निकाले, कलरफुल प्रिंट, ये आप देख सकते हो, फुल HD की है, कलर है, ये आप देख भी सकते हो इधर PDF में। सबसे पहले तो ये कैंडल होती हैं, दो कैंडल होती हैं, ठीक है, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, मैं आप बेसिक तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कैंडल है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कैंडल होती हैं मार्केट के अंदर जो बनती हैं, ठीक है। पाँच टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आधे घंटे के, जितना भी आप टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहते हो, उन टाइम फ्रेम में ये कैंडलें बनती है मार्केट के अंदर, और ये कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हो, पहले तो ये है हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल और बियरिश एंगल, ठीक है। तो इस PDF के बारे में, इस PDF में भी यही बताया गया है। पहले तो कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम दिए गए हैं इधर, ठीक है, ये आप देख सकते हो इधर। फिर इसके बाद में इनका एग्जांपल है और ये पैटर्न है कैसे बनता है वो, और इनकी थ्योरी है। इस PDF के अंदर सब कुछ आपको दिखाई दे, थ्योरी भी है इसके अंदर, एग्जांपल भी आप देख सकते हो। और ये हैमर का जो आइकन है वो ऐसा होता है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने दो प्रिंट निकाले थे, पहले तो ब्लैक एंड वाइट निकाला था, फिर कलरफुल निकाला था, उनकी चलो कलर पे अच्छा आएगा और समझाने में भी थोड़ा आसानी होगी। प्रिंटर से निकाले थे मैंने अभी, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। इस PDF के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कितने पैटर्न हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद में 7 8 9 10 11 12 13 14 पैटर्न है इस PDF के अंदर, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि पहले एग्जांपल दिए गए हैं, हैमर दिया गया है, और पहले मतलब आइकन दिया गया है, फिर एग्जांपल दिया गया है, फिर इसकी थ्योरी भी है। तो आप पढ़ के मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पूरी की पूरी PDF है, देखिए कैसे बनते हैं, इवनिंग स्टार कैसे बनता है। इवनिंग स्टार का जो आइकन होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तीन कैंडल होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन ऊपर है, जो छोटा ग्रीन होना चाहिए, फिर इसके बाद में रेड, फिर इसके बाद में मार्केट नीचे आएगा, ये आप देख सकते हो। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। ये होता है हैमर, ये हैमर होता है, ठीक है। हैमर का जो आइकन होता है वो ऐसा होता है, ये बॉटम में आना चाहिए, बॉटम में आएगा तभी हैमर कहलाएगा, और इसका आइकन अपन को ऐसा देखना है, ठीक है। और फिर यदि आपको ये दिख जाता है बॉटम में, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। नहीं सॉरी, मार्केट यदि आपको बॉटम में ऐसा दिख जाता है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये आप देख सकते हो। ये मैं आपको चार्ट में भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने खोला हुआ है इधर, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये शूटिंग इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार नहीं है, ये देखिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है शूटिंग स्टार है, ये यहाँ देख सकते हो इधर, ठीक है। ये शूटिंग स्टार है, तो मार्केट नीचे आया, थोड़ा ही आया, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इस मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया और मार्केट फिर नीचे आ गया, ये देख सकते हो। यदि आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इस कैंडल के ऊपर लगाओगे थोड़ा सा, तब जाके आप ट्रेड करोगे। यदि आप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो फिर आपका मतलब इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट फिर नीचे आएगा, ऐसे मत करना। यदि आपको एक कैंडल दिख जाती है तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाओगे तो फिर मार्केट नीचे आएगा। यदि मार्केट ऊपर भी चले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाओगे इधर, ठीक है, इधर
ये ब्रेकआउट नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। देखिए ये मार्केट बहुत नीचे, अब नीचे आता ही जाएगा, ठीक है, धीरे 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 धीरे। और ये आप देखिए इधर, इसमें कौन सी कैंडल दिखी है आपको, ये देखिए, ठीक है, ये कैसे कौन सा हैमर है, ये हैमर है ना, ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का जो आइकन होता है वो ऐसा होता है, ये देखिए इधर, इन्वर्टेड हैमर का जो आइकन होता है वो ऐसा होता है, ये ग्रीन हो चाहे रेड हो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप देख भी सकते हो इधर, ग्रीन रेड दोनों एक है, रेड है, लेकिन मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो ये मार्केट आपको, मतलब ये पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको लेनी है तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। सारे के सारे पैटर्न ऐसे ही बनते हैं। अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। और ये क्रिप्टो का मार्केट है, ठीक है, पहले बता देता हूँ मैं, एक एक घंटे के टाइम फ्रेम में, दो दो घंटे के टाइम फ्रेम में, 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में, लेकिन ये जो पीडीएफ है वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही लेनी है, तब जाके ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये देखिए इधर, ये कौन सा है, ये देखिए इधर, ये कौन सा आइकन है, दिख रहा है आपको, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है ना, ये शूटिंग स्टार, ये देखिए शूटिंग स्टार है, ये कलर कोई सा भी हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को आइकन ऐसा देखना है, आइकन ऐसा दिख गया तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए देखिए आप, ये देखिए शूटिंग स्टार, ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ आया, ज़्यादा नहीं आया लेकिन आया, देखो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, यदि आप यहाँ ट्रेड लेते तो 2% का ट्रेड हो, मतलब 2% का अपन को प्रॉफिट होता है यदि अपन ट्रेड लगाते तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, फिर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये देखिए ये कौन सा है, इसमें सब कुछ दिए गए हैं, ये देखिए कौन सा है, इधर इधर एक रेड है एक ग्रीन है, एक रेड है एक ग्रीन है, इसके अंदर जाएंगे तो मार्केट के अंदर देखेंगे, ये देखिए पहले तो रेड है फिर ग्रीन है, रेड वाले ने, ग्रीन वाले ने रेड को पूरे को घेर लिया, ठीक है। तो ये है, ये इस वाले पीडीएफ के अंदर नहीं है, मैं आपको एक और पीडीएफ दिखा देता हूँ, कौन सी वाली है, बहुत सारी पीडीएफ है ना मेरे पास, तो कौन सी वाली है, ये वाली, ये वाले जो आइकन हैं, ठीक है, ये वाले पीडीएफ है, ये खोलता हूँ मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो बना है ना मार्केट के अंदर वो पैटर्न, ये देखिए इधर, ये वाला पैटर्न, इस पैटर्न का नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। तो पहले तो रेड है, ठीक है, इसके बाद में ग्रीन है, रेड के बाद में ग्रीन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इधर रेड है फिर ग्रीन है, ये आप देखिए ये रेड है ये ग्रीन है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और ये बॉटम में ही बनना चाहिए, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है, ये बॉटम में बनेगा, एग्जांपल में भी ये देख सकते हो इधर ये घेर रखा है एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे मार्केट के अंदर अपन को पहचानना पड़ेगा कि कैंडल कैसे बन रही है, और अपन को ये पीडीएफ याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये जो पैटर्न है वो आपको याद करने पड़ेंगे, देखते ही अपन को पहचान लेना चाहिए कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है, मार्केट कैसे जाने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है। तो इन पीडीएफों की मदद से ही आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए इधर और तो नहीं बना, और भी बने होंगे, मैं आपको बताता हूँ, इसमें बनाता हूँ, इसमें बताता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताता हूँ आपको इधर, ठीक है। ये देखिए इधर, ये वाला पैटर्न देखिए आप, ये वाला पैटर्न एक रेड है, ठीक है, ये ग्रीन है ये रेड है, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये वाला पैटर्न है, ये बियरिश एंगलफिंग पैटर्न है, ठीक है,
ये आपको दिख जाता है, ये रेड है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब रेड, ये इसका मतलब ग्रीन, ठीक है। ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है, रंगीन है लेकिन ये आइकन थोड़े अलग है, ये रेड है ये ग्रीन, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको इसमें दिखाई दे सकता है, ये देखिए इधर, ये ग्रीन है ये रेड है, ये ग्रीन है ये रेड है, ठीक है। तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, ये आप देख सकते हो, आया ना मार्केट नीचे की तरफ। ये देखिए यदि आप यहाँ ट्रेड लेते तो आपको 2% का प्रॉफिट होता, यहाँ आप ट्रेड लेते तो इस पैटर्न की सहायता से। तो ऐसे इन पैटर्न को यूज़ करना है आपको, मार्केट के अंदर पहचानना है। डेली यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेगी, मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके आप ये PDF मेरे से ले सकते हो। बहुत सारे PDF हैं, सब PDF बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक PDF यदि आप रट लोगे इनको तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, लॉस कम होगा। ये तो देखो क्रिप्टो के अंदर तो टेक्निकल एनालिस्ट बहुत कम काम करता है, लेकिन ये कि लॉस आपका बिल्कुल नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा। यदि आप ट्रेड लोगे तो लॉस हो गया एक में तो दूसरे वाले में प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, यही मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न कैसे यूज आते हैं मार्केट के अंदर और कैसा आप जनरेट कर सकते हो अपना इनकम को, अच्छी खासी इनकम। अब ये देख सकते हो आप यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए इधर, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये कौन सा है, पहले तो बुलिश एंगलफिंग है ना, पहले तो ये देखिए रेड है, फिर इसके बाद में ग्रीन है, ठीक है, बुलिश एंगलफिंग पैटर्न है ये वाला पैटर्न है, समझ रहे हो। अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ देख सकते हो इधर, ठीक है। तो ऐसे मार्केट है ना, जो ऐसे मार्केट के अंदर यूज आते हैं पैटर्न। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई, धन्यवाद।